स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इस सिलसिले का ये 7th लेक्चर है। उम्मीद है आपने पिछले तैयार कर लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 पिछले पार्ट हो चुके हैं। ये शो दैट करना है और इसमें उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि विदाउट एक्सपेंडिंग। तो आप ये सारे सवाल एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि कुछ एक्सपेंड करने से इजी हो जाएंगे, कुछ जो है वो एक्सपेंड किए के बगैर रो और कॉलम ऑपरेशन से ज़्यादा इजी हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब जिस तरह ये क्वेश्चन है, बी प्लस सी ए और ए बी सी प्लस ए बी सी सी और ए प्लस बी, इसका आंसर आ रहा है 4ABC। तो अगर हम कोई भी रो को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं बनती, या ए बी सी बन जाए या 4 बन जाए या कोई चीज़ ए कॉमन आ जाए या बी कॉमन आ जाए या सी कॉमन आ जाए, इस तरह नहीं बन रहा। तो हमने लेफ्ट साइड ले ली, इसको सिंपल हम एक्सपेंड कर देंगे रो 1 की रिस्पेक्ट से। तो रो 1 की रिस्पेक्ट से बी प्लस सी बाहर रख लिया, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा था, 1+1 इवन बनता है तो बाहर प्लस का साइन, अगली टर्म माइनस की। फिर ए बाहर रखा, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, ए फर्स्ट रो में था सेकंड कॉलम में था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1+2 ऐड किया तो माइनस ऑड बनता है, माइनस बाहर साइन आ गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, सी जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई, बी सी आ गया। पहली प्लस की होगी, दूसरी माइनस, तो तीसरी ऑटोमेटिकली प्लस की होगी, अल्टरनेट साइन चलते हैं, बस ये याद रख लें। अब ए बाहर आ गया, ए फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, 1+3 इवन बनता है, 4 इवन है तो बाहर प्लस का साइन, ये ए बाहर आ गया, ये ए जिस रो में था और जिस कॉलम में था छोड़ दिया, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस का साइन, 2x2 का डिटर्मिनेंट जिस तरह कर दिया। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ओपन कर लेंगे तो ये सॉल्व होकर आंसर 4ABC दे देगा, बाकी कैलकुलेशन ही है, सिर्फ आपने ये करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह ये क्वेश्चन है b-1a, ab0, 1ab और ये आ रहा है a³+b³। अब इसमें भी हम कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करें कोई भी बने तो इनमें से कोई चीज़ जो है वो नहीं बन रही, a³+b³ कोई कॉमन नहीं आता किसी में, तो इसको भी हम सिंपल एक्सपेंड कर लेंगे। मैंने कहा था एक्सपेंड भी आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो या किसी पहली रो के लिहाज से कर लें, हम ज़्यादातर फर्स्ट रो के लिहाज से करते हैं, आप सेकेंड रो के लिहाज से कर लें, थर्ड रो के रिस्पेक्ट से कर लें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक विद रिस्पेक्ट टू कॉलम्स आप एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे, बी बाहर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, बी स्केयर माइनस ए 0 0, अगली टर्म पहली प्लस की दूसरी माइनस की, फिर ये -1 है, -1 फर्स्ट रो में था सेकेंड कॉलम में था, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया तो बी को ए से मल्टीप्लाई किया, ए बी माइनस का साइन होता है 1 0 0, पहली प्लस की दूसरी माइनस की, फिर आगे ये ए बाहर रखा प्लस का साइन था, अब ए फर्स्ट रो में था थर्ड कॉलम में था, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, ये ए स्केयर माइनस बी बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा a³+b³, सिंपल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ए बी बन जाएगा, ये बी स्केयर रह जाएगा, ये बी क्यूब बन जाएगा, ये अंदर ए क्यूब हो गया, ये ए स्केयर है, ये ए स्केयर है, ये अंदर मल्टीप्लाई होके ए स्केयर प्लस माइनस माइनस और ये ए बी, तो ये प्लस ए बी था, ये माइनस ए बी कैंसिल हो गया, ये बी क्यूब बन गया, ये ए क्यूब, तो इनको अरेंज करके लिख लिया a³+b³, राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया। 7th पार्ट जी, शो दैट ये डिटर्मिनेंट आर के इक्वल है, आर कॉस फाइ 1 माइनस साइन फाइ 0 1 0, आर साइन फाइ 0 cos φ, तो ये सारा डिटर्मिनेंट जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे एवेल्यूएट करके आंसर क्या आएगा, आर आएगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, आर कॉस फाइ उसी तरह ये सारा एज इट इज लिख लिया। तो आप जरा देखें, आपने जरा थोड़ा सा याद भी रखना है कि मैंने बताया था 1 0 0 वाला मेथड, किसी एक रो में या एक कॉलम में 1 करना है और बाकी एलिमेंट 0, तो इसमें पहले से ही मौजूद है, आप ये देख लें, अगर इसकी हम सेकंड रो देखें, सेकंड रो उसमें 1 1 है और बाकी 2 0 है, अगर आप कहें इसमें तो 2 1 है, मैंने क्या कहा था 1 1 होना चाहिए और बाकी 0 होने चाहिए, तो इसमें हमें मिल रहा है 1 1 है और बाकी 0 है, तो मैंने क्या कर दिया, तो जब 1 1 और बाकी 0 होंगे, खा वो रो में है वो कॉलम में है,
तो आपने छोड़ना किसे है, वन जिस रो और जिस कॉलम, ये तो हो गया वन के साथ जीरो जीरो। अब ये वन जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा था, तो किस में आ रहा था, वन सेकेंड कॉलम में है और सेकेंड रो में, ये इसीलिए मैंने ये छोड़ दिया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि ये वाला वन जो था, ये वाला वन इसके साथ वन और वन के साथ जीरो जीरो है, तो ये वाला वन जिस कॉलम और जिस रो में होगा वो छोड़ देंगे। तो बाकी बच गया आर कॉस फाइव माइनस साइन फाइव, आर साइन फाइव कॉस फाइव, ये बच जाएगा। ये मैंने लाइन इसलिए लगाई है, ये छोड़ दिया। अब ये यहां पर देखें, ये कौन सी रो छोड़ी थी, दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ा था, टू प्लस टू इवन बनता है फोर, फोर प्लस क्या नाम है, इवन बनता है, प्लस का साइन बाहर आ जाएगा, ये टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट रह जाएगा यहां। ये बहुत सिंपल सिंपल हो गया। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस, और ये माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई को माइनस आर साइन स्क्वायर फाइव, तो आर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर फाइव, तो आर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ जाएगा, आपको पता है वन के इक्वल होता है, यहां सिंस करके आप बता दें, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव किसकी इक्वल होता है, वन की इक्वल होता है, इज इक्वल टू वन, ये यहां पुट कर दिया, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, हमने राइट हैंड साइड की इक्वल ही लाना था। इसी तरह एट पार्ट है, ये डिटर्मिनेंट था, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला है किसका, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फार्मूला वैसे आपने याद रख लेना है, इसका फार्मूला आप एक्सपेंड करके कर लें तब भी हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका तरीकाकार क्या किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ये फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड कर दिया, आप इसमें इसको ऐड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली सी वन प्लस सी टू, ये दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे, ये दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे, ये दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे, तो पहले कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बाकी एज इट इज ही रहेंगे, ये दो एज इट इज लिख दिए मैंने, ये एज इट है। अब कॉमन आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ये पहले कॉलम में से कॉमन निकाल लिया फ्रॉम सी वन, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम सी वन, तो इधर रह गया वन वन वन, बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ठीक। अब हमने क्या किया, सेकेंड रो में से अब वन जीरो जीरो वाला मेथड, वन हो गए वन वन, तो अब क्या कर लें, ज्यादा इजी हो जाता है जब वन वन मिल जाए आपको रो या कॉलम में, सारे एलिमेंट वन मिल जाए, तो एक वन रख लें बाकी जीरो बना लें, मैंने इसको वन रख लिया इनको जीरो बना लिया, आप इसको वन रख लें और इसकी मदद से इसको जीरो कर लें और इसको जीरो कर लें, या इसको वन रख लें और इसकी मदद से इसको जीरो कर दें इसको जीरो कर दें, आपकी अपनी चॉइस, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको रख लिया वन, इसको रहने दिया, इनको जीरो कर लिया, तो क्या किया वन बी प्लस सी ए प्लस बी, तो मैंने क्या किया आर टू में से आर वन निकाल दिया, ये आर टू है उसमें से आर वन, वन में से वन निकाल दिया जीरो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो बच जाएगा ए माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सी माइनस ए रह जाएगा, आर थ्री में से आर वन, इसी इसी में से इसको माइनस करना है, यानी आर वन को ही आर टू में से माइनस करना है और आर थ्री में से, वन में से वन निकाल दिया जीरो, ए प्लस बी में से ये माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे तो ए माइनस सी बच जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये सी माइनस बी बच जाएगा, तो एक वन हो गया और बाकी जीरो हो गया। तो अब देख लें, मैंने बताया था एक वन होना चाहिए किसी एक रो या कॉलम में और बाकी जीरो, तो इस कॉलम में एक वन है और बाकी जीरो, तो वन जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, वन पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट लिख लिया, लेकिन एक्सपेंशन किसके लिए आज से होगी, वन जीरो जीरो जिस रो कॉलम में आ रहा होगा एक्सपेंशन उसकी रिस्पेक्ट से होगी, इसलिए मैंने लिखा एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन, ये लिखना लाजमी है, ये छोड़ा है, छोड़ना किसके लिए आज से है, वन वन जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको उसकी रिस्पेक्ट से उनको छोड़ देना है आपने, इनको छोड़ दिया, लेकिन एक्सपेंशन किसके लिए आज से होगी, वन जीरो जीरो जिस रो या जिस कॉलम में आ रहा होगा एक्सपेंशन उसकी रिस्पेक्ट से होगी। अब ये देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आ रहा था, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ा है, वन प्लस वन टू इवन बनता है, बाहर साइन प्लस कर लिया मैंने, तो ये ए प्लस बी एज इट इज साथ आता जाएगा, प्लस ये टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट रह गया, ये रख दिया। अब ए प्लस बी प्लस सी इसी तरह ब्रैकेट लगाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का साइन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बाकी आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और ये ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज आ जाएगा, ये टर्म बच जाएंगी अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये फार्मूला किसका होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
ये तरीकाकार है। अगर कोई एक्सपेंड करके करना चाहता है तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपकी मर्जी, उससे भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा, कोई उसमें जो है वो दूसरी बात नहीं है। तो उम्मीद है आज ये क्वेश्चन आपको जितने मैंने कराए हैं समझ आ गए होंगे, और इनको रेगुलर इंटरवल्स पे करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, और क्या कहते हैं, दिन कम रहते जा रहे हैं। तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।